the Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त एनी शर्मा और हमेशा की तरह आपके लिए लेकर आई हूं ढेर सारी खबरें। और आपको आज बताऊंगी कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसे करके आप लाखों कमा सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसी कौन सी कंपनी है जो अपने कर्मचारियों को हगीज पहनने की सलाह देती है। ये तमाम खबरें आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको द डॉन एक्सप्रेस की हमारी ये वीडियो अंत तक देखनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। देश में फैले कोरोना वायरस से लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ऐसे में सभी लोग नई नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, फिर कोई बिजनेस शुरू करने का प्लान भी कर रहा है। लेकिन इसमें आपको कौन सा बिजनेस करना शुरू कर सकते हैं और कम लागत में अच्छी कमाई हो सकती है, तो आइए आपको बताते हैं। आप 2 लाख रुपए कमा सकते हैं हर महीने अगर आप ईंट बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, ये बिजनेस सिर्फ 2 लाख रुपए में शुरू हो सकता है और इसमें आप हर महीने 2 लाख, 3 लाख कितने भी कमा सकते हैं। और आप कैसे शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस? बिजली या तंत्रों से निकलने वाली राख, सीमेंट और स्टोन डस्ट को मिलाकर ईंटें बनाई जाती हैं। ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास करीब 100 गज की जमीन होनी जरूरी है। साथ ही इस बिजनेस को करने के लिए आपको सिर्फ मशीन के पैसे खर्च करने होंगे। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, आपको ऐसा ही शायद कोई इंसान मिले जो ज़्यादा देर तक टॉयलेट रोक सकता है। जी हाँ, लेकिन ऐसी कई कंपनी है जो अपने कर्मचारियों को टॉयलेट ना करने की सलाह देती हैं, जिसके लिए उन्हें पैम्पर्स यूज़ करने के लिए कहा जाता है। इसे पोल्ट्री इंडस्ट्री बताया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ पर कर्मचारियों को कम टाइम में ज़्यादा काम करने की सलाह देने के कारण वो टॉयलेट जाने से रोकते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा काम करने की कारण आप पैम्पर्स यूज़ कर सकते हैं। इस बारे में कर्मचारियों से मिली जानकारी के अनुसार, जैसे कि हमने बताया है, ऐसा करने के पीछे वजह बताई जा रही है कि टाइम को बचाना। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी काम के दौरान बार बार बाथरूम जाने की बजाय काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सके, इसके लिए काम करने वाले हर व्यक्ति को नैपी पहनकर आने के लिए बोला गया है। जी हाँ, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है, लेकिन कर्मचारी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि कई लोगों की नौकरी जा चुकी है और काम का और नौकरी का बहुत प्रेशर है। लॉकडाउन के समय से ही नौकरियों की बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से हजारों लाखों युवाओं को बेरोजगार होने पर मजबूर होना पड़ा है। ऐसे में यदि आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि ऐसे में DRDO में कई सारे पदों के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि पदों पर उम्मीदवार का चयन अंकों के आधार पर किया जाएगा, जिसकी पूरी जानकारी के लिए आप नोटिस पढ़ सकते हैं। आप जा सकते हैं www.apprenticeshipindia.org, www.apprenticeshipindia.org। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए असरदार दवा ढूंढी है। दवा का नाम है टीकोप्लेनिन। ये कोरोना की दूसरी दवाओं के मुकाबले 10 गुना अधिक असरदार है। जी हाँ, कोरोना के मरीजों को दी जा रही बाकी सारी दवाओं में ये सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। ये एक एंटीबायोटिक दवा है। 23 दवाओं पर रिसर्च की गई है। IIT दिल्ली के संस्थान कुसुम स्कूल ऑफ बायोटेक्निकल साइंस के 23 ऐसी दवाओं पर रिसर्च करी है जिसमें कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि ये दवा वाकई कारगर साबित हो और लोगों को इससे फायदा हो सके। भारतीय इतिहास में जानकारों में शायद ही कोई ऐसा हो जो चंदर बरदाई को ना जानता हो। इतिहास के महान कवि कहे जाने वाले चंदर बरदाई लाहौर में पैदा हुए थे। जी हाँ, भारत के अजमेर दिल्ली के प्रसिद्ध हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के गहरे सखा थे, और बाद में वो राजा पृथ्वीराज के राजकवि और सहयोगी भी बन गए थे। वही कहा जाता है कि चंदर बरदाई का अधिक समय और जीवन महाराज पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली में ही बीता। आज उनका जन्म दिवस है और हम उनको बहुत बहुत नमन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भारत में अपना कामकाज बंद करने की घोषणा की है। संस्था ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने इस साल के शुरू में ही कार्रवाई के तहत
उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए, जिसके बाद उन्हें अधिकतर स्टाफ को निकालना पड़ा। संस्था ने भारत सरकार पे विच हंट यानी पीछे पड़ जाने का आरोप लगाया है, जबकि सरकार का आरोप है कि संस्था ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, जो कि विदेशी फंडिंग के लिए ज़रूरी होता है। जी हाँ, इस कंपनी ने गैर सरकारी संगठन का आरोप लगा है जिसका मुख्यालय ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम में है, जो मानव अधिकारों पर केंद्रित है। संगठन का कहना है कि दुनिया भर में इसमें 8 मिलियन से अधिक सदस्य और समर्थक हैं। संस्था का कामकाज भारत में पूरी तरह से बंद हो चुका है। मदर डेयरी कोविड-19 महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के खत्म होने के बाद कारोबार में फिर से जान फूंकने के लिए तैयार हो चुकी है। महामारी संबंधित प्रतिबंधों में ढील मिलने के बाद उत्पादों की मांग तेज आ गई है। जी हां, मदर डेयरी फूड एंड वेजिटेबल के प्रबंधक संग्राम चौधरी ने बताया कि उनकी मांगों में वृद्धि होने पर उनको उत्साह है और एक नए स्वास्थ्य अधिकारी उत्पादों को लॉन्च करने की कंपनी की योजनाओं के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। जी हाँ, उन्होंने बताया कि अनलॉक चरणों के साथ चीज़ें धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर आ रही हैं और वो व्यापार के साथ उपभोक्ताओं की भावनाओं का भी ध्यान रख रहे हैं। SDM अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि दारचूला महाकाली गांव पालिका निवासी जगदीश राम की 1 माह की बच्ची की आंतों में गांठ है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें भारत रेफर किया गया। दिल्ली में कार्यरत दारचूला जिले में गांव पालिका 8 निवासी व्यक्ति को नेपाल जाना था। झूला पुल प्रबंध बंद होने में ही दारचूला में उन्हें रोक लिया गया। इस दौरान कुल कई सारे लोग वहां पर अनुरोध पत्र डाल चुके थे, जिनको 20 मिनट के लिए झूला पुल खोलने के लिए उन्हें अनुमति भी दी गई। इस दौरान कई लोगों की भी वहां पर एंट्री हुई। 11वीं वाहिनी के इंस्पेक्टर कमीशन सिंह ने नेतृत्व में जवानों ने दोनों ओर से आने जाने वाले लोगों के सामान की चेकिंग की, इसके बाद उन्हें आने जाने दिया गया। अगर आप 2 पहिया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं लेकिन बजट को लेकर परेशान हैं, तो बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आपकी सैलरी सिर्फ 8,000 रुपये होनी चाहिए। खास बात यह है कि बैंक की यह स्पेशल स्कीम महिलाओं के लिए है, जिसकी पूरी जानकारी बैंक के आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई है। जी हाँ, तो अगर आप उठाना चाहते हैं इस स्कीम का लाभ, तो आप PNB से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप द डॉन एक्सप्रेस के साथ ज़रूर बने रहिएगा। और साथ ही आपको बता दें कि वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब में शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। स्याभार, टेली हंट, टेली हो। नमस्कार।